हेलो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.44 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11th। इस क्वेश्चन में अपने को आयन के बारे में बताना है और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवेन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं। अगर एक एटम है जेड एक्स ए, तो जेड विल बी एटॉमिक नंबर एंड ए विल बी मास नंबर, एंड हियर मास इज गिवेन दैट इज 56। नाउ वॉट यू हैव टू डू, जेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात पता है अपने को। और यहां पे बोला है कि इस आयन पे चार्ज है और वो चार्ज कितना है, 3 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे +3 का चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा ए माइनस जेड, इक मीन्स 56 माइनस जेड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच रिलेशन गिवन है कि न्यूट्रॉन्स 30.4% मोर हैं, तो देयर विल बी जेड माइनस 3। मतलब अगर मैं न्यूट्रॉन लिख रही हूँ तो जेड माइनस 3 इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस जेड माइनस 3 इंटू 30.4% इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ आ जाएगा जेड माइनस 3 इंटू 230.4/100 इक्वल टू 56 माइनस जेड। तो जेड इक्वल टू यहाँ आ जाता है 230.4/100 इक्वल टू, इधर आ जाएगा 5991.2/100 एंड जेड विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 26। तो यहाँ पे जो एनायन की बात हो रही है 26 Fe और 56, और एनायन मतलब यहाँ +3 चार्ज है।